पीर मुरीद जो है बीवी से लड़ने लगा कि तू कहती है कि ये पीर नहीं है, देखो इतने मील से उसने आग बुझा दी, इतना बड़ा बाकरामद बुजुर्ग है ये। अच्छा शाम को खाना भेजा, उसने चीनी नीचे डाल दी, चावल ऊपर डाल दिया, नहीं दिया। अब पीर साहब भी नहीं, चीनी लाओ ना चावल शुरू करो। वो मुरीद आए बीवी से कहे कि चीनी तू भेज दी है, वो फिर जाए वो वहां तो नहीं गई, वो आके लड़े भी देखो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, सारे लोग बैठे, चीनी तो चीनी भेज दी है, कहां भेजी है ही नहीं। वो फिर कपड़े धोने वाला डंडा उठा के लाई, ये दो चार पीर साहब के रखे कि 12 मील से आग नजर आ गई थी, ये चावलों के नीचे चीनी नजर नहीं आ रही। तो ये वो मौलाना लिखे दिल की नमाज जो वो पीर कहता था, ये ताबीले बातिल है और कुफर है। अब पीर साहब ने सोचा कि भाई यहाँ गुजारा नहीं होगा, ये तो मौलवी की लड़की है, यहाँ तो किसी सवाल का जवाब हमें आता ही नहीं। कि सुबह रवानगी, अच्छा मुरीद ने बीवी से फिर उसने गुस्से हुआ कि हजरत को नाराज कर दिया है तूने, है कि नहीं नहीं मैं तो हजरत को नाराज नहीं करती। हजरत का एतकाद बहाल करने के लिए वो मुरीदी ने अपने लड़के से कहा कि हजरत से कहना मेरा सलाम भी कह देना, जा रहे हैं और जरा हमारी जो भैंस है ना वो शोकी करती है तो दम कर दे ताकि शोकी ना करे दूध निकालने के वक्त। देखा ये सब बड़े खुश हुए कि मुरीदी तो काबियादार हो गई है, दम करवाना चाहती है। कहाँ है भैंस, जी बाहर निकलते हैं। फिर बाहर आकर बाहर निकले, अब वो खुद शौक था, हाँ भी बताओ भैंस कहाँ है, दम कर दे कहाँ है। तो गधा खड़ा तो दिखा जी इसको दम कर दे, तू तो कहता है भैंस को दम कराना है, कि जी ऊपर से गधा है अंदर से भैंस ही है, ऊपर से गधा है अंदर से, क्योंकि वो कहता था कि आदमी अंदर से नमाजी होना चाहिए, बाहर से नमाजी होने की जरूरत नहीं है। देखा बेवकूफ, जो बाहर से गधा है वो अंदर से भी गधा है। देखा फिर जो बाहर से बेनमाज है वो अंदर से भी बेनमाज है। इसको कहते हैं तावील बातिल। पहला जो है तवातर, वो तवातर तबका है, और ये सबसे बड़ा तवातर होता है। ऐसे मसाइल को जरूरियात दीन कहा जाता है, और कुफर ईमान की तारीफ यही है कि तमाम जरूरियात दीन को मानना, इसका नाम ईमान है। और जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार कर देना या उसकी ऐसी बातल तावील कर देना कि उसका असल मिश्ताक खत्म हो जाए, इसको कुफर कहते हैं। मेरा पहला मुनाजरा जो कादियानियों से हुआ वो इसी मसले पर हुआ। कादियानियों के घर चला गया मैं नंबरदार, उन्होंने रब्बे से मुनाजर बुलाए हुए थे, और ये सवाल उस जमाने में बड़ा मशहूर था कि मौलवी साहबान को कुफर और ईमान की तारीफ नहीं आती, क्योंकि जस्टिस मुनीर के सामने जब पेश होते लोग तो वो पूछता तो मेरे को काफिर कहते हो कि हाँ तारीफ करो कुफर की ईमान की, वो सारे तो आलिम नहीं होते ना, नहीं आते। बड़ा अखबारों में शोर मचा कि ये मौलवी काफिर मुसलमान कहते रहते और किसी मौलवी को कुफर इस्लाम की तारीफ नहीं आती। हजरत मौला मोहम्मद इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ पेश, उन्होंने दरखास्त दी कि ये चूंकि दीनी मसला है इसलिए मैं इसमें पेश हूंगा और कुफर ईमान की तारीफ बताऊंगा। चीफ ले गए, जैसे मुनीर ने पूछा, उन्हें पहले जरूरियात दीन की तारीफ समझाई और उसके बाद फिर कुफर और इस्लाम ईमान की तारीफ समझाई, और ऐसे आम फहम अंदाज में कि उसको भी समझ आ गई। अब वो सवाल क्या पूछता है कि जी फिर ये आम मौलवियों को तारीफ क्यों नहीं आई, आप आए। तो मौलवी ने फरमाया कि जो चीज जितनी आम हो जाती है उसकी तारीफ आम लोगों को नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि उन मौलवी साहबान को तारीफ नहीं आई तो वो कुफरी ईमान की पहचान भी नहीं रखते। ये जब तारीफ नहीं आई पहचान कैसे, अभी मसला हल कर देता हूं।
आप जरा गिलास की तारीफ करें, गिलास किसे कहें? जी पानी पीने का बर्तन के प्याले भी पी लेते हैं, तो जी लंबा सा के बोतल भी लंबी होती है, पानी लोग पी लेते हैं। अब वो गिलास की जामे माने तारीफ नहीं कर सका, ताकि अब मैं बाहर जाकर अखबार में बयान दे दूं कि जैसे साहब गिलास को नहीं पहचानते। आप तारीफ नहीं कर सके, लेकिन गिलास को आप अच्छी तरह पहचानते हैं, आपको कोई शुबा नहीं है। अच्छा आप जरा शलवार की तारीफ करें। अब वो जो तारीफ करे कि नीचे पहनने का कपड़ा, वो कहते चादर भी तो बांधते हैं ना, वो अंडरवेयर भी तो होता है ना, ये सारी वो मुसीबत में पड़ गया बेचारा। कहने का किसका मतलब है कि मैं जाकर अखबार में बयान दे दूं कि ये जिसको पाकिस्तान का जसद बनाया हुआ है ये शलवार को नहीं पहचानता? शलवार की पहचान आपको यकीन है, लेकिन शलवार की जामे माने तारीफ जो है, जिन्हें आपके सामने ये डेस्क रखे हैं, अब डेस्क की जामे माने तारीफ साहब से पूछे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इससे ये निकालना कि आप डेस्क को पहचानते नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। फिर जस्टिस मुनीर समझा, मौलाना कांदवी हजरत ने फरमाया कि तुम समझते हो कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, दानिश्वर हैं, बोला माँ के सामने तुम एक फिक्रा नहीं बोल सकते थे, और सारे मुल्क में तूने शोर मचवा दिया है कि मौली साहबान को कुमरी सलाम की तमीज नहीं है। दूसरा वो होता है तवातर, वो जिस उलमा के तबके में हो, मुतवातर उलमा में वो बात आ गई हो, मुहद्दिसीन में एक हदीस मुतवातर है, फुकहा में एक फिकी चीज मुतवातर है, सर्वनाम वालों में एक कायदा मुतवातर है, इनको कतियात कहते हैं। वो जरूरियात दीन है, ये कतियात है। इसके और उनके हुक्म में क्या फर्क है? लजूम और इल्तजाम का, वहां तो माना इतना वाज़े है ना बात का कि कोई इश्काल है ही नहीं। यहां अगर किसी ने कतियात का इनकार किया तो चूंकि ये तवातर और कतियत ऐसी है कि अवाम को मालूम नहीं, इसलिए अवाम को पहले बताया जाएगा कि भाई इसका इनकार कुफर है। अगर वो इसके बाद भी इनकार पर डर जाए तो फिर उसे काफिर कहा जाएगा, पहले नहीं। लजूम कुफर तो उसके जिम्मे हो गया, लेकिन अभी लजूम कुफर है, अगर वो उसी कुफरिया बात का इल्तजाम करेगा फिर इसको काफिर कहा जाएगा, अगर उसने कुफरिया मफहूम का इल्तजाम नहीं किया तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। तो ये है एक खास खास तबके में तलक्की, आम तलक्की नहीं है। सही बुखारी शरीफ को जो असहल कुतुब कहा जाता है तो वो मुहद्दिसीन की तलक्की है, अवाम की तलक्की नहीं है यहां। और मजाहिब अरबा को अवाम में तलक्की बिल्कुल हासिल है, उलमा में, अवाम में, सब में। तो अजीब बात है कि मजाहिब अरबा को पहले दर्जे की तलक्की बिल्कुल हासिल है और सही बुखारी शरीफ को दूसरे दर्जे की, लेकिन गैर मुकल्लदीन ने इस बात को इतना खूब फैलाया है कि उसको अवाम तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सबसे पहले बात कही है कि सही बुखारी शरीफ असल कुतुब है, किसने कही है? याद है अल्लाह ताला ने या हजूर पाक ने? खुद बुखारी ने भी ये बात नहीं कही, किसने कही है जी? सुनी नहीं बात आपकी जी? इजमा हो गया इस पर कहां? ये इब्ने सलाह का कौल है। किसका कौल है? इब्ने सलाह का, कि बुखारी जो है यह असहल कुतुब बादा किताब अल्लाह है। और यहां रखिए सामने बुखारी शरीफ, या नहीं बुखारी का पेज नहीं है, सफा 158 का पहला हाशिया पढ़े, यहां इसकी पुरजोर तबदीद है कि यह असहल कुतुब नहीं है। अच्छा आपने असूल शास्त्री लेकर तौसी तलवी तक पढ़ा तो किसी में ये बात पढ़ी है कि यह असहल कुतुब है? इसी असूल की किताब में तहरीर उसूल में साफ लिखा कि ये नहीं है, बात गलत है। ये मुझे दे दी, सुना दे सबको। ये कुहाट के मुनाजरे में यही शोर मचा ना,
یہ ہے صفحہ 158 پہلا حاشیہ. وقول من قال اصح الاحادیث ما فی الصحیحین ثم من فرد به البخاری ثم من فرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غیرهما ثم ما اشتمل على شرط احدهما تحکم لا یجوز التقلید فیہ. یہ سراسر ناانصافی کی بات ہے, اس کو ماننا نہیں چاہیے. آگے دلیل کیا ہے؟ اذا الاصحیات لیس الا لاستعمال رواتهما لا شروط التي تبراها فاذا وجدت تلك الشروط في رواتهما حديث في غير الكتابين فلا يكون الحكم بصحة ما في الكتابين عين التحكم ثم حكمهما واحد واحدهما بان الراوي العين مجتمع تلك الشروط. تو پہلی دلیل یہی ہے کہ جب وہی شرطیں دوسری کتاب کے راویوں میں بھی پائی جائیں. اب صحیح بخاری شریف کو جو اصح الکتب کہا ہے ابن صلاح نے, تو اس کی بنیاد اس نے کس بات کو بنایا ہے؟ ایک یہ کہ محدثین میں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے, دوسرا یہ کہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ راوی میں دو باتیں پائی جائیں, تام الضبط ہو کثیر الملازمت ہو. تام الضبط ہو کثیر الملازمت ہو, اگرچہ یہ معیار امام بخاری رفع جان میں قائم نہیں رکھ سکے, کیونکہ عبداللہ بن مسعود حضور پاک سے کثیر ملازمت ہے نا, ان کی حدیث نہیں ہے. مالک بن حضرت جو صرف 20 رات رہا ہے, جو 23 سال ساتھ رہا ہے وہ کثیر ملازمت ہے یا 20 رات والا کثیر ملازمت ہے؟ تو مالک بن حوارث کی روایت لائے ہیں جو صرف 20 رات حضرت کے پاس رہا ہے, اور جو 23 سال رہا ہے عبداللہ بن مسعود اس کی روایت نہیں. تو تام الضبط اور کثیر الملازمت یہی دو باتیں ہیں نا سر. اب کتاب الاثار امام محمد مسند امام اعظم, اس کی ہر سند میں تین چیزیں ہیں. کتنی ہیں؟ یہ سارے راوی ابو حنیفہ ان حماد, اکثر سند یہی ہے نا, ان ابراہیم نقی ان الکمہ و اسود ان ابن مسعود, یہ سارے راوی تام الضبط بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کثیر الملازمت بھی ہیں, اس میں کسی کو شک ہی نہیں. تو جو بخاری کی دو شرطیں ہیں وہ اس سند میں پکی پائی گئی. ایک تیسری شرط ہے جو بخاری کی حدیثوں میں نہیں پائی جاتی, وہ کون سی ہے؟ کہ ہر راوی اپنے زمانے کا افقہ الناس ہے. ہر راوی اپنے زمانے کا افقہ الناس ہے. اب یہ کہ راوی تام الضبط ہو کثیر الملازمت ہو, یہ دونوں عقلی باتیں ہیں, کیونکہ جس کا حافظہ قوی ہوگا عقل کہتی ہے کہ اس نے بات زیادہ یاد رکھی. جو کثیر الملازمت ہوگا بار بار اس نے حدیث سنی ہوگی, عقل کہتی ہے کہ اس کو حدیث زیادہ یاد ہوگی. لیکن یہ کہ راوی افقہ ہو یہ تو منصوص ہے ربا حامل فقہ غیر فقیہ میں. اب ان کتابوں میں سند میں تین شرطیں پائی جائیں اور ان کو صح نہ کہا جائے. میں نے تو ایک مناظرے میں تین باتیں رکھی تھی روپی صاحب کے سامنے, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, امام مالک کی, ان میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ یہ تام الضبط اور کثیر الملازمت ہے راوی, نمبر ایک. نمبر دو کہ یہ خیل قرون میں لکھی گئی اور سیاستہ خیال قرون کے بعد لکھی گئی, تو خیال قرون کی خیریت تو منصوص ہے نا. تیسرا یہ کہ ان کے لکھنے والے بالاتفاق ملتحد ہیں. امام مالک بھی ملتحد ہیں, امام ابو یوسف بھی ملتحد ہیں, امام محمد بھی ملتحد ہیں, امام ابو حنیفہ بھی, اور سیاستہ والوں میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ملتحد تھے یا مقلد تھے. باقی پانچوں کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ مقلد تھے, اور مقام ملتحد کا بلند ہے نہ کہ مقلد کا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں تصدیق ہم یوں ہی دیتے ہیں کہ گویا ان کی حیثیت مذہب شافی میں ایسی تھی جیسے ہمارے ہاں امام حسن اور ظفر کی, کہ یہ من وجہ مقلد تھے من وجہ ملتحد, ملکہ اتحاد
रखते थे तो